अभी नहीं, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं, केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित हैं। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में गोविंद देव जी श्री राम के गर्भगृह की ओर पधारते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, पांच मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर, क्यों न हो। भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन
जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी।